मैं आपसे, आपने लीवर का फंक्शन पढ़ा, आपने हार्ट का फंक्शन पढ़ा, आपने पैनक्रियास का फंक्शन पढ़ा, आपने किडनी का फंक्शन पढ़ा, क्योंकि ये विजिबल बॉडी पार्ट्स है, विजिबल, ये विजिबल बॉडी पार्ट्स है, ये दिखाई पड़ते हैं। साइंस की बुक इन्हें क्लास 8 से डायग्राम बना बना के समझाती है बच्चों को कि भैया इनका फंक्शन ये है, इनका फंक्शन ये है, इनका फंक्शन ये है, लेकिन माइंड ये विजिबल नहीं है। इससे जुड़ा जो शास्त्र है उसी को अध्यात्म कहते हैं, स्पिरिचुअलिज्म, शास्त्र, शास्त्र की बात कर रहा हूं। इससे जुड़ा जो शास्त्र है उसको स्पिरिचुअलिज्म कहते हैं, अध्यात्म कहते हैं। इससे जुड़ा जो विषय है उसे मनोविज्ञान कहते हैं, और मनोविज्ञान एक आधुनिक विषय है सर। इसका भी तो फंक्शन है सर, इसका फंक्शन है सोचना, थिंक। अब दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, और एक कॉमन पीपल। और ये दुनिया में लोग कयामत तक रहेंगे सर, कयामत तक। दुनिया में दो तरह के धर्म हैं, एक एरिस्टोक्रेसी, एक कॉमन पीपल। दुनिया में दो ही जातियां हैं, एक एरिस्टोक्रेसी, एक कॉमन पीपल। दुनिया में दो ही रेस हैं, एक एरिस्टोक्रेसी, एक कॉमन पीपल। इनका परसेंटेज कितना है सर? 2%। इनका परसेंटेज कितना है? 98%। ये एल्टो वाली गैंग है सर, एल्टो, वैगनार। सर वैगनार हमारे पास भी है सर, मेंटेनेंस कम वाली गाड़ी है सर, तो वैगनार तो हमारे पास भी है सर, बुरा मानने की जरूरत नहीं है सर उसमें। लेकिन ये गैंग, ये लैम्बोर्गिनी वाली गैंग है, रोल्स रॉयस वाली गैंग है सर। और इन दोनों में जो सबसे बड़ा अंतर है, सबसे बड़ा, वो ये है कि ये जानते हैं कि मन का फंक्शन क्या है, मन क्या है और मन का फंक्शन क्या है। मन का फंक्शन है सोचना। अब आप इसको, ये जो गैंग है, तभी तो तुलसीदास जी ने लिखा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। इसलिए दुनिया में ना कोई स्कूल है, ना कोई कॉलेज है, ना कोई यूनिवर्सिटी है जहां पर समझदारी सिखाई जाती हो, जहां पर कॉन्फिडेंस दिया जाता हो, जहां पर डेयरनेस दी जाती हो, कोई नहीं है सर। अगर ऐसा कोई स्कूल होता तो एरिस्टोक्रेसी उस पर अपनी मोनोपोली कर लेती, और फिर अंबेडकर जैसे लोग नहीं पैदा होते, फिर गांधी जैसे लोग नहीं पैदा होते, फिर लिंकन जैसे लोग नहीं पैदा होते ही नहीं सर। अब ये जो है, ये गुट, ये जानता है मन का काम है सोचना। ये तो जानता ही नहीं मन के बारे में, इसको तो पता ही नहीं। ये तो 24 घंटा कहता है कि कुछ बोलो मत, मेरा दिमाग खराब है। ये पढ़ता है फ्रंट लाइन, ये पढ़ता है इंडियन एक्सप्रेस, ये पढ़ता है रीडर्स डाइजेस्ट, ये पढ़ता है सत्य कथा, ये पढ़ता है मनोहर कहानियां, पढ़ते दोनों है सर, पढ़ते दोनों है सर, पर डिफरेंस है सर। ये सोचता है अंतरराष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन, ये सोचता है पॉलिटी, ये सोचता है स्पिरिचुअलिज्म, ये सोचता है सेक्स, ये सोचता है फूड, ये सोचता है पैसा। सोचते दोनों है सर। पैसा कमाने की चीज है सर, सोचने की चीज नहीं है। जिसने भी इसको समझ लिया, मन, मेरे बड़े सारे मित्र मुझे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, पढ़ाई नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, तुम समझ ही नहीं पाए, तुम्हारे पास इतना बड़ा तोहफा है, हटाओ इसको दुनिया से,
बुआ ये कह रही थी, मामा ये कह रहे थे, चाचा ये कह रहे थे, अब्बा ये कह रहे थे, फलाने कहने दो। तुम्हें एक बार संन्यास लेना पड़ेगा। राम को लेना पड़ा, मोहम्मद को लेना पड़ा, जीसस को लेना पड़ा, बुद्ध को लेना पड़ा, महावीर को लेना पड़ा, जनक को लेना पड़ा, कृष्ण को, तुमको भी लेना पड़ेगा अगर तुम महान बनने का सपना देखते हो तो।